सब्सक्राइब करिए करियर अड्डा चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो की प्रॉपर नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। अच्छा, एक सॉफ्टवेयर कंपनी, बड़ा नाम और बड़ा डिमांड, और जिसका नाम आप सब लोग जानना चाहते हो, वो कंपनी कोई और नहीं, विप्रो है। विप्रो आईटी इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम है, और विप्रो जैसी कंपनियों में जॉब करने के लिए ऑब्वियसली जिस तरह से बड़ा नाम उसी तरह से बड़े स्किल की रिक्वायरमेंट होती है। तो आज के वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि विप्रो कंपनी में कैसे जॉब पाएं और विप्रो कंपनियों में जॉब का क्या प्रोसीजर है, किस तरह आप आगे बढ़ सकते हो, किस तरह इस चीज़ को आगे लेकर के जा सकते हो। इस पूरे वीडियो में इसके बारे में हम डिटेल में थोड़ा सा बात करेंगे, ठीक है। तो बात करते हैं कि पहली बात तो विप्रो में फ्रेशर से लेकर के एक्सपीरियंस जो लोग हो सबकी हायरिंग होती है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ कंप्यूटर साइंस इंजीनियर ही इसमें हायर होते हैं। ये भी एक बात है कि सिर्फ कंप्यूटर साइंस इंजीनियर ही नहीं हायर होते। अगर आप, मैंने विप्रो में ना जो मेरे कोलीग हैं, जो मेरे फ्रेंड सर्कल हैं, विप्रो में जॉब किए हैं, मैंने देखा इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल तक के लोग विप्रो में जॉब कर रहे हैं और अच्छी खासी पैकेज पे। बट उसमें भी टर्म्स एंड कंडीशन है, मैं बताऊंगा कैसे आप लोग विप्रो में एंट्री कर सकते हो। विप्रो देखो मास हायरिंग करता है, इनका बिजनेस मॉडल थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये लोग क्या करते हैं, आउटसोर्स कंपनियों से प्रोजेक्ट उठाते हैं, बाहर अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ब्राज़ील हो गया, यूनाइटेड किंगडम हो गया, यूरोपीय देश हो गए, उसके बाद बड़ी बड़ी कंपनियाँ जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो गया, गूगल हो गया, एप्पल हो गया, इनसे इनका जो प्रोजेक्ट है ये लोग उठाकर लेकर आते हैं। अब यहाँ पे फिर जब प्रोजेक्ट आता है तो ये मास में हायरिंग करते हैं। अमेरिका में चल रही रिसेशन तो अभी इनके पास प्रोजेक्ट थोड़े कम है, लेकिन तब भी हायरिंग में कुछ ना कुछ लगा रहता है। आप लोग जो इसका पोर्टल है उस पर भी जाकर के देख सकते हो, करंट ओपनिंग जो है वो डायरेक्टली आप अप्लाई करो। देखो विप्रो जैसी कंपनियों में जॉब ना स्किल बेस पे ही होती है, यहाँ पे पैसा वैसा कुछ नहीं चलता है, कोई पैसा ले ले, कुछ भी ले ले, यहाँ कोई लेना देना नहीं है। ऐसी कंपनियाँ सिर्फ और सिर्फ स्किल बेस में चलती हैं। अब यहाँ पे एंट्री करने के लिए स्किल की क्या रिक्वायरमेंट है, सबसे जो मेजर स्किल है आपकी कम्युनिकेशन स्किल, मीन्स आपको इंग्लिश बहुत अच्छे से बोलने आना चाहिए। और विप्रो जो है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों बीपीओ सेक्टर में भी काम करता है। अगर हम बात करें जितनी अच्छी इंग्लिश बोलने आना चाहिए, अगर आप हिंदी मीडियम में जाते हो उसके कॉल सेंटर में, तो उतनी अच्छी आपको हिंदी भी बोलने आनी चाहिए कि मतलब इन्फ्लुएंट हिंदी हो, ये नहीं कि फंबल कर रहे हो। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसमें हिंदी में भी, जब इंटरव्यू होता हुआ उसमें टेलीफोनिक राउंड होगा, पहला जो होता है एचआर राउंड होता है, बेसिक राउंड होता है, उसके बाद जीडी होता है, ग्रुप डिस्कशन होता है, ग्रुप डिस्कशन के बाद जो आपका टेलीफोनिक राउंड होगा फ़ोन पे बात करके, उसके बाद फिर फाइनल राउंड होता है, सैलरी ऑल थिंग्स इसमें इंक्लूड की जाती है। ये मैं उसके जो एक प्रोसेस है विप्रो का, एक प्रोसेस जो है कॉल सेंटर का प्रोसेस, उसके बारे में अभी हमने बात की है। दूसरे प्रोसेस की अगर हम बात करें जो टेक्निकल सपोर्ट होता है, टेक्निकल सपोर्ट में भी अगर आप बात करें जो इंटरनेशनल बीपीओज होते हैं, इंटरनेशनल बीपीओज में अच्छा खासा पैसा है। उसमें स्टार्टिंग सैलरी पैकेज मैं बता दूं 15,000 से 20,000 स्टार्टिंग सैलरी देते हैं, लेकिन हाँ वो 20,000 से 40,000 जाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने आप को कैसे वैरी करते हैं। मेरे साथ के जो लड़के थे, जो मेरे फ्रेंड थे, कई सारे हैं विप्रो में जो जॉब कर रहे हैं, अभी लगभग 20 लाख की पैकेज पे हैं। तो आप समझ लो 8-10 साल में उन्होंने 20 लाख की पैकेज पे अभी हैं, तो एक रफ आइडिया। लेकिन हाँ, आराम भी है उनको, इतना ज़्यादा टेंशन नहीं है कि इतना ज़्यादा टेंशन। स्टार्टिंग में आप पे प्रेशर होता है, और डिपेंड ये भी करता है कि आपने कौन से प्रोसेस में आप जॉब कर रहे हो विप्रो में, वो भी बहुत सारे चीज़ें हैं जो डिपेंड करता है। उसके अलावा विप्रो में देखो डिजिटल मार्केटिंग की जॉब है, वेब डेवलपर, विप्रो जैसी कंपनियां .NET और जावा एंड पाइथन, ये तीन लैंग्वेज पे काम करती हैं, तो प्रोग्रामर की भी ज़रूरत होती है, बैकएंड डेवलपर की भी ज़रूरत होती है, तो प्रोग्रामर भी वहाँ पे आप बन सकते हो। डेटा एनालिस्ट की भी ज़रूरत होती है, विप्रो जैसी कंपनियों में डेटा एनालिस्ट की भी ज़रूरत है। MBA अगर आपने किया है तो मार्केटिंग मैनेजर की भी ज़रूरत है। लेकिन आज जिस तरह से मैंने बताया कम्युनिकेशन स्किल बहुत मैंडेटरी है विप्रो जैसी कंपनी में, उसके बाद आपकी टेक्निकल स्किल आ जाती है, उसके बाद आपकी प्रेजेंटेशन स्किल आ जाती है, सेल्स स्किल आ जाती है, ये सारी चीज़ें अगर आपके अंदर है तो ऑब्वियसली आप विप्रो जैसी कंपनी में जॉब के लिए एलिजिबल हो। देखो विप्रो जैसी कंपनियां जो होती है ना कहीं आपका माइंडसेट जरूर चेंज होता होगा कि अरे विप्रो जैसी कंपनियों में हम कैसे जाएं, किस तरह से जाएं। तो जो प्रोसीजर मैंने आपको बताया, अगर आप इसको फॉलो करते हो, सही से फॉलो करते हो, 100% फॉलो करते हो, ऑब्वियसली आप जॉब पा सकते हो।
करंट ओपनिंग की बात किया जाए तो देखो विप्रो में अगर करंट ओपनिंग की बात की जाए तो बहुत सारी ओपनिंग है, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे है विप्रो कंपनी, नोएडा में है, दिल्ली में है, बेंगलोर में है, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे है। तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ विप्रो का कि जो करंट ओपनिंग है उसमें आप लोग देख सको कि क्या ओपनिंग है, किसको किस तरह से इसको आगे लेकर के जाएंगे, किस तरह कौन सा करियर आपके लिए बेहतर होगा। और देखो वेबसाइट से डायरेक्टली आप अप्लाई करो, कोई इसमें झंझट नहीं, डायरेक्टली आप अप्लाई करो। वेबसाइट का जो लिंक मैं दे रहा हूं इसमें ना कोई थर्ड पार्टी है ना कुछ है, डायरेक्टली विप्रो की वेबसाइट पर अपना रिज्यूमे बायोडाटा भेजिए, जब भी उनको रिक्वायरमेंट होगी वो आपको कॉल बैक करेंगे, आपको मेल करेंगे, प्रॉपर एचआर की तरफ से मेल आएगा, कोई एक भी रुपए चार्जेस नहीं है, ठीक है। और अगर आपको करियर में कोई दिक्कत है, जॉब नहीं मिल रही है, जॉब में किस तरह से आगे जाएं, तो आप लोग करियर कंसल्टिंग सर्विसेज भी मेरे से ले सकते हैं careeraddaeducation.com पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है उसका भी, और कमेंट में पिन कर दे रहा हूँ। तो बस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।